हेलो दोस्तों, आप सभी का अल्फ़ा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको भारत की हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा और जो भी इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। और साथ में ही हम इस एनसीईआरटी के जो कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है उसको भी हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम आज मैं सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के और कई नाम क्या हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम मैचोर हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। अच्छा, इसे मैचोर हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इस इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो इसको हम तीन पार्ट में बांट देते हैं, अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन। मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने विकास की चरम सीमा पर था। इस समय इनकी तकनीकी का विकास, इनकी कलाकृति का विकास अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए हम इसको मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम इस प्रकार से अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की वैश्विक ग्लोब पर स्थिति कहाँ पे है और इसकी जो साइट्स हैं विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मुख्यतः रूप से हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया में पाई जाती हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण साइट हैं जो हमको स्टडी करनी रहती हैं वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट्स, जो कि सबसे पहले डिस्कवर की गई थी इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया था। दूसरी साइट है मोहनजोदाड़ो जो कि आज के पाकिस्तान में है, और जो मुख्य साइट हैं हम चान्होदारो, आप देख सकते हैं चान्होदारो जो ये भी पाकिस्तान में है। और जो है कि भारत की जो साइट्स हैं मैं उनको भी आपको बताना चाहूँगा। भारत में कालीबंगा राजस्थान में है, राखिलगिरी ये जो है साइट हम जैसा जानते हैं इस साइट को अभी बजट के समय इस पर जो है कि म्यूजियम के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है, इस जो है कि इस पर म्यूजियम जो है कि फिक्स रखा बना दिया जाएगा। ये साइट जो है कि आज के हरियाणा में उपस्थित है। दूसरी साइट इंडिया की रोपर में है जो कि पंजाब में है, और जो कि दो साइट हैं धौलावीरा एंड लोथल जो कि गुजरात में मिलती हैं, ये भी दो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इंडिया की। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन सभी साइटों को अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की सबसे पश्चिमी साइट्स कौन सी है। तो उसका नाम है सुतकागेनडोर, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं सुतकागेनडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे पश्चिमी साइट है। दूसरा क्वेश्चन, इसकी सबसे पूर्वी साइट कौन सी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे पूर्वी साइट आलमगिरी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आलमगिरी जो कि इस टाइम इस मैप में नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं, आलमगिरी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। और जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ मांडा सबसे नॉर्थन उत्तरी साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो कि भारत के जम्मू कश्मीर ज़िले में स्थित है। और साउथर्न मोस्ट साइट इसकी दैमाबाद, नोट कर लीजिएगा आप इसको, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये इसकी चारों साइटें हो गई जो इसकी मोस्ट ईस्टर्न, नॉर्थन, वेस्टर्न एंड साउथर्न साइटें हो गई। चलो दोस्तों अब आप इसकी लोकेशन के बारे में पता लग गया। अब हम बताएंगे कि जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन को किस प्रकार से स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए सबसे पहले जैसा कि आपको इन चित्रों में दिखाया गया है, डिफरेंट प्रकार की बीड्स
डिफरेंट प्रकार के वेट करने के मीजर के जो कि वेट करने की डिवाइसेस हैं, डिफरेंट टाइप की सील्स हैं, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये हड़प्पन सील है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट सबसे स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। और ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो कि कलाकृति है जो कि सील है, इसको सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। ये सील किस पदार्थ से बनी होती है? स्टीयरटाइट मटेरियल से बनी होती है, स्टीयरटाइट मटेरियल से। और इस पर आप देख, जैसा कि चित्र फिगर 1.1 में देख सकते हैं, इस पर एक जो है कि एक एनिमल की मोटिफ है, मोटिफ मतलब इस कलाकृति को ही बोलते हैं मोटिफ। तो ये एनिमल है, ये बुल है, तो जो है कि बुल जो है कि सारी मैक्सिमम आपकी जो सील है उन पर मिलता है। और जो ऊपर आप देख सकते हैं जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, जैसे आज के समय में हम हिंदी लिखते हैं इस प्रकार इनकी जो स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी तक इसको डेसीफर्ड नहीं किया जा सका। डेसीफर्ड का मतलब इसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट हाउस किस प्रकार के घर बने हैं, किस प्रकार के बर्तन हैं, किस प्रकार के आपके ऑर्नामेंट्स हैं, टूल किस प्रकार के हैं, इस प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन के सामाजिक जीवन के बारे में पता लगा लेते हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही था कि जो है कि सबसे डिस्टिंक्टिव कलाकृति, जो सबसे इम्पोर्टेंट कलाकृति जिससे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाते हैं वो सील है, और जो कि ये मटेरियल किसकी बनी होती है, ये स्टीयरटाइट मटेरियल की बनी होती है। चलो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं बिगनिंग की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में बांटा गया था, अर्ली हड़प्पा, हड़प्पन मैच्योर, हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। तो बिगनिंग में जो अर्ली हड़प्पन साइट थी वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, लोग पेस्ट्रोलिज्म एंड एग्रीकल्चर और जो है कि अच्छे अच्छे उनके घर या सेटलमेंट नहीं बने हुए थे। और यहाँ पे हमें जो है कि अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं उन पे हमें बर्निंग के भी सबूत मिलते हैं कि इन साइटों को बर्न किया गया था, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो है कि अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पा के बीच में एक ब्रेक रहा होगा। तो मोस्टली इसमें हम मैच्योर हड़प्पा के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला सवाल हमारा यही उठता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या खाते थे, और जो कि किस प्रकार से रहते थे, उनकी जो डाइटरी प्रैक्टिस यानी खाने की प्रैक्टिस क्या थी। तो इससे हम जो कि हमको आर्कियोबॉटनिस्ट हैं, ये हमको डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स के बारे में बताते हैं। आर्कियोजूलॉजिस्ट हैं वो हमको डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स के बारे में बताते हैं जो कि पास्ट में मिले थे। तो हमको यहाँ फूड हैबिट्स में हमको 3 प्रकार से दिखते हैं, हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्लांट्स, एनिमल एंड फिश वगैरह को हम स्टडी करेंगे। तो आर्कियोबॉटनिस्टों से हमको पता लगा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग वीट, गेहूं, बारले, जौ, बाजरा, दाल, चना, तिल को उगाया करते थे, यानी कि ये लोग जो है कि खेती किया करते थे। और इसके अलावा लेकिन हमको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो राइस है, राइस हमको वेरी रेयर मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। राइस के जो सबूत हैं वो बहुत कम मिलते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एनिमल्स जो आपको मिलेंगे वो शीप मिलेगी, गोट, बकरी, बफेलो और सुअर मिलता है, उसकी जो है कि इन लोगों की हड्डियाँ मिलती हैं। और इसके अलावा कुछ जंगली जानवर भी हमको कई साइटों पर देखने को मिलते हैं, जैसे जिस प्रकार से जंगली सुअर, घड़ियाल, हिरण। लेकिन आर्कियोलॉजिस्टों ने अब तक ये इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं क्या ये जो है कि हड़प्पा के लोग खुद ही इन लोगों को हंट करते थे या कुछ दूसरे लोग इनसे हंट करवाते थे, जो कि ये घड़ियाल या इसके लिए, जिस प्रकार से आज हम हैं जो है कि जंगलों में जो आदिवासी लोग हैं वो हंटिंग करते हैं, और जो
और एडवांस लोग हैं वो अपने दूसरी प्रकार की सर्विस करते हैं। इस प्रकार से इस चीज़ का हम पे अभी कोई सबूत नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैच और हड़प्पा के लोग जो है कि इस पुराने ट्राइब्स की तरह रहा करते थे। हमको इनकी डाइटरी प्रैक्टिस के बारे में पता लग गया। ये जो है कि गेहूँ जो आज उगाते थे और एनिमल्स भी ईट्स करते थे और वाइल्ड स्पीसीज के भी सबूत मिले हैं। तो अब हम तो ये इनकी जो है कि अब जैसा कि हमको पता है ये बाल गेहूँ जो उगाते थे, तो अब हम इनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा के लोग अपनी खेती किया करते थे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या ये लोग जो है कि खेती करने में खेती को जोतते थे या फिर अपनी सीड्स को ऐसे ही ब्रॉडकास्ट या स्कैटर कर दिया करते थे। तो यहाँ पे हमको ये आर्कियोलॉजिस्टों ने कई एविडेंस मिले हैं कि जैसा कि हमने बताया कि सील्स पे जो है कि बुल मिलता है इनकी पे, तो इससे हमको ये पता लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो बुल है वही प्लो करने के लिए या जुताई करने के लिए काम में लाया जाता था। एक हमको टेराकोटा मॉडल भी मिला है, मॉडल मतलब एक छोटी सी कलाकृति मिली है जिसमें जो कि चोलिस्तान और बनवाली जो हरियाणा में है उन साइटों पे मिलती है, उसमें जो है कि एक बैल एक गाड़ी के साथ बना हुआ है। तो गाड़ी के साथ, तो इससे ये हमको सबूत मिलता है कि ये लोग शायद जोत के अपना खेती करते होंगे। और कई जैसे कि कालीमंगन साइट है, तो कालीमंगन राजस्थान की साइट है जैसा हमने बताया था, वहाँ पे जो है कि जुताई के भी सबूत मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग खेती को जुताई से भी करते थे, लेकिन अभी आर्कियोलॉजी इस बारे में सर्टेन नहीं है कि किस प्रकार से वो लोग जो है कि जुताई करते थे या फिर जो है कि बीजों को जो कि सीधे ऐसे ही फेंक देते थे। और एक और चीज़ यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो है कि जो हड़प्पा की जो कि सेट्स हैं वहाँ पे जो फील्ड हैं उसमें दो प्रकार की फरो का मतलब होता है जो आप जुताई करते हैं तो जो लाइन बन जाती है, तो दो प्रकार की जुताई की लाइनें हैं जो कि राइट एंगल पे हैं ईच अदर, ये आपको कालीबंगा में मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो एक साथ दो खेती भी कर लेते थे। तो इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो कि टेराकोटा जो कि बुल और जो है कि बुल की प्लो करती हुई जो टेराकोटा है वो कहाँ मिली है, वो आपको मिली है चोलिस्तान एंड बनवाली हरियाणा में, और जो है कि प्लो फील्ड की जो साइन है वो कालीबंगन राजस्थान में है। ये आपको आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि किस प्रकार के ये लोग टूल्स यूज करते थे। तो टूल्स में अभी कुछ प्रकार के टूल्स हैं जैसे कि वुडन ब्लेड्स हैं, स्टोन के ब्लेड्स हैं, कॉपर के भी ब्लेड्स मिले हैं। इनके बारे में अभी हम आर्कियोलॉजिस्टों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि ये जो है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसों को किस प्रकार से अपना पानी यूज किया करते थे, पानी किस प्रकार से लगाया करते थे। तो इसकी हम देखेंगे जैसा कि मैम में देख सकते हैं कुछ जो साइट है वो नदी के किनारे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि इन लोगों ने नदी से पानी लेके यूज कर लिया हो। लेकिन कुछ साइट्स जैसे कि हम देख सकते हैं जो कि जो सौरतुगही जो कि अफ़गानिस्तान में है वो सेमी अरेड रीजन में पाई जाती है। सेमी अरेड मतलब वहाँ पर जो कि कम बारिश होती है। तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए पानी कैसे पहुँचाया जाएगा, तो जो है कि कुछ जो है कि सबूत वहाँ पे कैनाल के भी मिले हैं, कैनाल्स बनी हुई हैं उसके सबूत अफ़गानिस्तान में सौरतुगही साइट में मिले हैं। लेकिन ये भी है कि पंजाब और सिंध में हमको कैनाल के सबूत नहीं मिल सकते हैं। तो इस चीज़ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हो सकता है कि पंजाब और सिंध में जो सिल्ट की वजह से ये जो है कि साइट्स बंद हो गई हों, कैनाल्स ख़त्म हो गई हों, और ये भी पॉसिबल है कि लोग वेल्स कुओं के थ्रू अपनी जो है कि इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसों को करते रहे हों। और नेक्स्ट हम जो है कि एक साइड जो हमने बताई थी जो गुजरात में धौलवड़िया है, धोलावेरा साइट गुजरात की है, इसमें हम वाटर स्टोर करने के लिए
भी रिजर्वर मिले हैं, तो हो सकता है कुछ जगह वाटर को स्टोर करके लोग अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसों को करते रहे हों। जैसा कि फिगर 1.5 में देख सकते हैं, ये धोलावीरा की एक एक साइट है जहाँ पे जो कि वाटर स्टोर किया जाता था। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोगों की पता लग गया कि मोहनजोदड़ो के लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस प्रकार से करते थे। अब हम तीसरा टॉपिक है, ये मोहनजोदाड़ो, ये प्लांट सिटी है। तो हम देख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो का ये जो एरिया था, ये जो है कि 125 हेक्टेयर में ये सिटी फैली हुई है। इसका जो मोस्ट फीचर है, सभी साइटों में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइटों में देख सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में जो ईस्ट की तरफ है लोअर टाउन है, जो कि साइज में बड़ा है, और जो लेफ्ट की साइड में वेस्टर्न साइड में है वो सिटेडल है, सिटेडल जो कि साइज में छोटा है। और हमें ये इनका यूनिक फीचर है कि जो सिटेडल है, जो स्मॉल है, वो ऊंचाई पे मिलता है, वो थोड़ा जो कि एक ऊंचाई पे बना हुआ है, और जो लोअर टाउन है वो आपका बड़ा है लेकिन नीचे है का एज कम्पेयर टू सिटेडल। और लेकिन और ये हमको ये भी मिलता है कि ये सारी जो है कि सेटल वॉल्ड सिटी है, वॉल्ड मतलब इनकी चारों तरफ से दीवारें खड़ी हुई हैं, चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है दोनों दोनों साइड्स को, सेटेडल को भी और लोअर टाउन को भी। आप इतना समझ गए होंगे। जो ये जो है कि ऊपर वाली साइट है, जो सेटेडल था, जो सेटेडल है वो मिट्टी और ईंटा की बड़ी बड़ी ऊंची फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब जो है कि नॉर्मल ज़मीन से ऊपर करके आप मिट्टी और ईंटों से आप उसको ऊपर एक चबूतरा, फाउंडेशन कह सकते हो आप, चबूतरा कह सकते हो, उस पर जो है कि ये अपर वाला पार्ट बना हुआ है। तो ऐसी कई साइटें हैं जो अगर लोअर टाउन में हैं आपकी, ऐसी कई साइटें हैं जो है कि फाउंडेशन पर बनी हुई हैं। अच्छा, ये बड़ा ही आश्चर्य आश्चर्य वाली बात है कि यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पता लगता है कि यदि 1 मीटर का क्यूब एक आदमी डेली जो है कि मिट्टी इस इतना बड़ा चबूतरा बनाता है, तो उसको 4 मिलियन डे लग जाएंगे इतना बड़ा चबूतरा बनाने में। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों ने एक बहुत ही बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स को मोबालाइज किया था, मोबालाइज मतलब यूज किया था अपने इन इन साइट्सों को बनाने के लिए। और हमको वहाँ पे एक प्लानिंग भी नज़र आती है, प्लानिंग के कई साइन दिखाई दे सके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मोहनजोदड़ो में प्लानिंग थी। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो साइज है ईंट का साइज है, जो ब्रिक्स के साइज है, वो फिक्स रेशियो में, आप हड़प्पा की किसी भी साइट को देख सकते हो, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो धौलावीरा हो, चाहे वो आलमगिरी हो, तो इन सभी में जो रेशियो है लेंथ 4 टाइम्स होगी, ब्रीथ है वो 2 टाइम्स होगी, और जो है कि हाइट है वो 1 टाइम्स होगी, 1:2:4 में सारी ईंटें हैं। तो ये इस प्रकार से पूरी मोहनजोदड़ो की प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छी प्लानिंग थी मोहनजोदड़ो के लोगों की किसी भी टाउन को बनाने के लिए। दूसरा प्लानिंग का सबूत हमको ड्रेन से देख सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो कि वहाँ पे कोई भी पानी का वेस्टेज है घर में, तो उसको किस प्रकार से ये लोग निकालते थे। तो हम सारी जो साइट देखेंगे, रोड हैं, ड्रेन हैं और हाउस हैं, इनकी जो बिल्डिंगें हैं हम देख सकते हैं सारी ग्रिड पैटर्न में बनी हुई हैं, ग्रिड पैटर्न एक दूसरे को, ये रोड्स हैं और जो नालियां हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, ये ग्रिड पैटर्न है। यानी कि देखने पर हमको ऐसा लगता है जिस प्रकार से कि सबसे पहले हमने रोड और नालियां बनाई हों, उसके बाद हमने सारे हड़प्पा के घर बनाए हों, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो ऐसा ही तो ये जो है कि हमको इनकी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा के लोगों ने अच्छे से प्लानिंग की थी। और इतना ही नहीं,
जैसे लोथल साइट को देख सकते हैं, तो लोथल जो साइट है जो गुजरात में है, उसमें जो है कि घर जो है कि मड़ मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, जबकि जो ड्रेनेज हैं, जो नालियां हैं, वो पक्की और बन पक्की ईंटों से बने हुए हैं। तो ये लोग सैनिटेशन और हाइजीन को लेके कितना जागरूक थे, ये इस बात से हमको पता लग सकता है। तो मैंने आपको इनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता दिया, अब हम आपको बताएंगे कि इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसी थी, यानी कि ये लोग घरों को किस प्रकार से आर्किटेक्ट करते थे। तो घरों को आर्किटेक्ट करना ये भी बहुत इनका सुंदर है, जैसा कि आप देखोगे ये आपको सुंदर सा घर दिख रहा है। इसमें जो सेंटर में कोर्ट यार्ड रहता था, कोर्ट यार्ड सेंटर में रहता था, उसके चारों तरफ जो है कि रूम रहते थे, और इस कोर्ट यार्ड को मैगजिम ये लोग कुकिंग और वीविंग यानी खाना बनाने के लिए या बुनने के लिए यूज किया करते थे, ड्राई या हॉट मौसम में। और आप देख सकते हैं इसमें दूसरा कंसर्न था जो घर बनाने के लिए, सेकंड कंसर्न था वो प्राइवेसी को किस प्रकार से हड़प्पा के लोग ध्यान रखते थे। आप देख सकते हैं कि कोई भी जो ग्राउंड वाली जो बिल्डिंग है उसमें कहीं भी आपको विंडो नहीं मिलेगी, आपको विंडो नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हो जो मेन गेट है नीचे की तरफ, उसके सामने से भी आप कोर्टयार्ड नहीं दे सकते, यानी कि आप बाहर से अंदर की चीज़ें, अंदर क्या हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये लोग प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। दूसरी चीज़ कि प्रत्येक घर में, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में आपको जो है कि एक बाथरूम मिलेगा, जो बाथरूम जो है कि बाहर की स्ट्रीट से कनेक्ट था, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था उससे कनेक्टेड था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कुछ घरों में तो यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हो 14 नंबर है यहाँ पे, वहाँ पे एक सीढ़ी बनी हुई है जिससे कुछ लोग अपने घरों के ऊपर जा सकते थे और अपनी रूफ पर जा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कि दो स्टोर बिल्डिंग थी, यानी दो दो मंजिल तक की बिल्डिंगें भी हड़प्पा में मिलती थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने एडवांस थे। और इनके घरों के अंदर ही पानी की व्यवस्था के लिए इनके घरों में ही रूम थे, जो कि एक कुएं थे जो उसी में भी पानी निकाल के यूज कर लिया करते थे। तो आप देख सकते हो कि हड़प्पा में टोटल 700 कुएं अब तक मिले हैं जो कि घरों में पाए जाते हैं। तो जो मेन फीचर है इनके, आपका कोर्टयार्ड हो गया, कुआ हो गया घर में, प्राइवेसी कंसर्न हो गया, सेकंड स्टोरी बिल्डिंग हो गई। तो इस प्रकार की आर्किटेक्चर इनके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इनकी आर्किटेक्चर थी। जैसा कि हमने बताया था कि जो है कि कोई भी जो कि इनकी साइट थी वो दो पार्ट में बटी हुई थी, लोअर पार्ट था लोअर टाउन जो कि बड़ा था साइज में, और नीचे था एज कम्पेयर टू सिटैडल। तो सिटैडल को देखेंगे तो सिटैडल हम ये देखने में पता लगता है कि सिटैडल जनरल पब्लिक यूज के लिए था, क्योंकि स्मॉल थे और हायर थे, तो यानी इसका मतलब ये जो है कि जनरल पब्लिक यूज के लिए थे, सारी जनता इसका यूज कर सकती थी। तो इसमें जो है कि मेन है, जैसा कि आप देख सकते हो वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस स्टोरेज के लिए था। तो यहाँ जो वेयर हाउस मिलता है इसमें ये जो है कि अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो जो ख़त्म हो चुका है, हो सकता है वो लकड़ी का बना हो इसलिए वो टूट चुका है। तो वेयर हाउस में नीचे का जो ईंटों से बना हुआ है वो पार्ट बचा हुआ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ जो है कि आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि ये भी एक पब्लिक पर्पज़ के लिए था, पब्लिक पर्पज़ स्पेशल रिचुअल बाथ, जिस प्रकार से आज के लोग जो कि हम गंगा नहाने जाते हैं रिचुअल बाथ करते हैं, तो ये भी एक ग्रेट बाथ था रिचुअल्स के लिए। तो इसकी जो डिजाइनिंग है हम आपको बताएंगे कि ये जो है कि ग्रेट बाथ है, इसकी जो 12 मीटर इसकी लंबाई है, 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, और जो 2.5 मीटर इसकी जो गहराई है, और इसके चारों तरफ जो कि कॉरिडोर है, ध्यान रखना आप कि कॉरिडोर है ये इसके चारों तरफ है, लेकिन जो रूम्स हैं इसके रूम्स तीन साइड में हैं, रूम्स हैं वो इसके तीन साइड में है, और एक रूम में आपका क्या है जो है कि कुआ है जिससे ये लोग पानी इसमें यूज करते होंगे ग्रेट बाथ में डालने के लिए। इसके अलावा जो कि ये ग्रेट बाथ है वो नीचे से ईंटों से बना हुआ है, वहाँ ब्रिक्स लगाई हुई हैं,
और मोर्टार है जो जिप्सम का मोर्टार भी लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप ये लोग पानी लीक ना हो उसके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था रखते थे, उसने जिप्सम मोर्टार और जिप्सम को भी यूज किया है जिससे पानी लीक ना हो। इसके अलावा जब हम इस ग्रेट वाथ की नॉर्थन साइड में देखेंगे तो वहाँ पे जो एक बाथरूम भी है वहाँ पे 8 बाथरूम हैं जो कि जिनकी जो के जो कनेक्टेड है बाहर की मेन स्ट्रीट से कनेक्टेड है, जहाँ का जो वेस्टेज पानी है वो बाहर की तरफ जा सकता है। और ये जो है कि 8 ग्रेट वाथ हैं इनसे हम जिनमें लोग जो कि नहाते थे जब कोई भी स्पेशल रिचुअल्स होते थे। और भी आप इसमें पब्लिक यूज के देख सकते हो, जैसे आप ये कॉलेज देख सकते हो, ये कॉलेज है आपका जो है कि ये स्तूप एरिया है, यहाँ पे हो सकता है किसी स्तूप बनाए हों वर्शिप के लिए। और भी डिफरेंट जो पब्लिक यूज के इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में आपके लिए बनाएंगे।